आधा चीज रोड देखता हूँ और चलाता हूँ, मीटर दिखता है आपका। एवेंजर में भी सिंपल देख भाई, लड़की पटाया कभी? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग की कहानी ऐसी होने वाली है कि आज मैं मिलने वाला हूँ एडवेंचर मोटरसाइकिल्स के एक्सपर्ट और यूट्यूबर और जो अभी ऑल इंडिया राइड पे है। तो जुनैद भाई ट्रायम्फ इंडिया की तरफ से ऑल ओवर इंडिया मीटअप कर रहे हैं, और तो आज उन्होंने पुणे में मीटअप रखा था ट्रायम्फ शोरूम। मैं वैसे भी पुणे आया हुआ था तो आज चांस मिल गया उनसे मिलने का। तो अराउंड 6:30 PM को मीटअप है, तो चलते हैं मीटअप के लिए। और एक सरप्राइज आपके लिए कि ये मैं पुणे लेके आया था, तो वैसे एक दो राइड होने वाली है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको एक नई राइड देखने को मिल सकती है, तो आप इस ब्लॉग के एंड तक बने रहे। तो अभी मैं चलता हूँ ट्रायम्फ शोरूम। सो द मैन हिमसेल्फ जुनैद भाई, तो उनसे अभी मिल चुका हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला। From past 21 years, and motorcycling is what I do. Motorcycling is like being on motorcycle, working on motorcycle, living across motorcycles, and talking about motorcycles and experiencing motorcycles. It's a lifestyle. So that's what I've been doing from the age of 17 till date as a rider. And way before that, from the age of 14, I've been working on motorcycle. I'm an automobile engineer by education, and I've been trained by the legendary, again from Pune, Mr. Shyam Kothari sir, who is my guru, who taught me motocross. And jo sabse zyada awaited meetup jo tha, that is Pune Mumbai, jahan aaj tak nahi hua. मुंबई में एक बार देवू दादा का मीटअप के साथ हो गया था, पर अपना अपना वाला डिजिटल फैमिली नहीं हुआ। एंड पुणे इज माय, दिस इज माय फर्स्ट मीटअप पुणे। मोर देन मीटअप, इट्स लाइक मीटिंग माय डिजिटल फैमिली मेंबर्स लाइक यू गाइस। एक भी बंदा आता ना तो भी मेरे को वही खुशी होती, और इतने सारे लोग आ रहे हैं और ज्यादा खुशी हो रही है। बिकॉज हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज का, एज एन एथलीट, एज अ राइडर, हम लोगों को एक ही चीज का प्रूफ होती है, अप्रिसिएशन, राइट? जिंदगी में अप्रिसिएशन मिलता है ना, जो भी हम अपने दिल से काम करते हैं उस काम के लिए अप्रिसिएशन मिलता है, तो और बुलंद हौसलों से काम करते हैं, राइट? और मजा आता है काम करने में कि यार कुछ तो कर रहा हूं, पर कर, जो भी कर रहा हूं सही कर रहा हूं। आई एम नॉट एन एलियन, नीदर आर आई, ओके? जैसे आप हो वैसे मैं, वी ऑल आर द सेम, वी आर राइडर्स। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मोटरसाइकिल। एंड व्हाट डू वी डू? आई यूज्ड टू बिल्ड बाइक्स, आई यूज्ड टू टूर ऑन मोटरसाइकिल्स, आई यूज्ड टू रेस मोटरसाइकिल्स, बिल्ड टू रेस स्पीड, दैट बिकेम द टाइम। दैट्स हाउ आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल स्टार्टेड, एंड टुडे आल्सो इट इज गोइंग ऑन। आई यूज्ड टू रेस फॉर 10 इयर्स, देयर आर आई ओन अ रेसिंग टीम। जो मेरे को नहीं मिला मैं आज यंग एथलीट्स को दे रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग जब हम ग्रुप्स को लेकर राइड करते थे या लेट इवनिंग्स को राइड कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है जहाँ पे हाथी ने हमको पकाते हुए आया है या हम हाथी को से भाग रहे हैं, वो वाले एक्सपीरियंस बहुत है। और जब हम पहले ट्रैवलिंग चालू करते थे ना, सो वी शुड, वी हैड नथिंग लाइक होटल टू होटल, या हमको जहाँ पे भी टेंट लगाने को जगह मिल गई, पकाने को खाना मिल गया, या गाँव में किसी ने शरण दे दिया, तो वही तो वैसे ट्रैवल किया है ऑन पेपर मैप्स, गूगल मैप तो बाद में। कोई डेंजरस एक्सपीरियंस था? टेंटिंग किया, टेंट लगाया लेकिन कैंपिंग कर रहे थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया या नहीं? बिकॉज़ देयर आर सर्टेन, हम बिकॉज़ आई वाज वर्किंग विद एन एक्सपीरियंस पर्सन लाइक माय बॉस जॉन, ही न्यू एवरीथिंग एंड आई वाज फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स। सो हमारा जहां पे हम रहते हैं वहां पे खाना खाते भी, वी यूज्ड टू हैव अ जंगल में जब भी हम करते थे उस सर्वाइवल टेक्निक्स में
कैंप कहाँ पे डाल, टेंट कहाँ पे डालना है, खाना कहाँ पे रखाना है, और बरसात के सीजन में कहाँ पे टेंट करना है, या नॉर्मल पहाड़ों पे कहाँ पे टेंट करना है, क्या क्या जानवर आ सकता है, ये सब कुछ पहले ही हम लोग उसका सब कुछ फॉलो करके हम लोग टेंट लगा देते हैं। और एवरी सेकेंड डे वन गाइड आई सी टूरिस्ट, दिस इज द फैक्ट, मीडिया में नहीं आता। Every second day, at least one guy dies in India. Reason, 3 days का tour, 4 days का tour, बिना acclimatization, बिना health check, okay? बिना कितने लोग लद्दाख जाके आए हैं? आगे I want to hear from you guys. Sir, what are the bikes? अच्छा लद्दाख में कहाँ कहाँ गया? पूरा रात को भी मिलती है थोड़ा सा चुचू का खाना, चुचू इस प्लीज इन लद्दाख में। अरे दो टाइम ये सब 82 टेल मी अबाउट 82 फोकस। 12 लोग थे, 6 गाड़ी, 2 बुलेट, 2 एसडी जावा, एसडी रोड किंग, नहीं रोड किंग नहीं, क्लासिक क्लासिक मेरे पास जावा थी 60 मॉडल 1960 और विजय सुपर स्कूटर, विजय सुपर, हाँ दैट वाज यूज्ड फॉर रेसिंग आल्सो। ओके पापी पे सो जाओ, सुबह उठना है जल्दी, घंटे बाद नहाना है, फिर निकलना है, रोज 500 किलोमीटर। मैं कोई भी गाड़ी को है ना मैं आज तक बेचा नहीं, मेरे पास वो लगाव है, उस लगाव के साथ ही मैं उस गाड़ियों को रखता हूँ, और वो गाड़ियाँ मेरी जिंदगी का एक पार्ट है, क्योंकि वो गाड़ियों के साथ जो भी मेरे मेमोरीज हैं वो जुड़े हुए, चाहे मेरी पहली गाड़ी जीना हो, वॉरियर प्रिंसेस, जी इंग्लिश में एक वॉरियर प्रिंसेस का आता था ना सीरियल उसके, हाँ सर यस यस हर किलो एक भूल गया। आई ऑलवेज फैंटेसाइज माई वुमन टू बी लाइक दैट, सो माय जीना वाज लाइक दैट फॉर मी, शी बिकेम माय जीना, माय 69th वन रॉयल एनफील्ड अभी भी है। सो दैट्स हाउ, तो जब हम एडवेंचर टूरिंग करते थे, एडवेंचर टूरिंग में सिर्फ गाड़ी ऑफ रोड में चलाना इज नॉट द ओनली थिंग, एडवेंचर टूरिंग कम्स विद 6 सब्जेक्ट्स, राइडिंग अ मोटरसाइकिल इज 1 सब्जेक्ट, नेविगेशन इज 2nd सब्जेक्ट, DIY इज 3rd, यू शुड नो योर मोटरसाइकिल, आप चाहे कोई और मैकेनिक काम करें एटलीस्ट आपको आइडेंटिफाई करके बोले, और वो काम करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि उसने ढंग का काम किया या नहीं किया, समझना जरूरी है, आप काम करते हो वेल एंड गुड, अगर कोई और काम करता है तो आपको डिसीजन मेकिंग चाहिए कि उसने सही किया या नगल, ओके DIY, देन 3rd फर्स्ट एड आना जरूरी है, और 3rd थिंग सर्वाइवल एनी कल सर्कमस्टेंसेस में सर्वाइव करना वो आना जरूरी है, देन कम्स दिस आर द 6 सब्जेक्ट्स व्हाट यू नीड टू नो to be a long distance motorcycle rider. Short rider problems, right? Yes, sir. No problem. Sir, first thing, गाड़ी जब अपने ये पहला चीज आता है वेट, हाइट को चढ़ने के बाद आता है, तो गाड़ी का जो ये होता है वेन्यू holding a motorcycle and then if the motorcycle is balanced on its own, CG point ko leke aa sakta hai, this motorcycle is as light as a feather, ye self balancing point pe aa jata hai gaadi, then to move this vehicle anywhere front or back there is no effort here, okay, aur confidence bhi गाड़ी के साथ तभी आता है जब आपका सीजी पॉइंट ये जो स्लैप हो रहा है ना पेट्रोल वो मेरे को इधर उधर ही ला रहा है, हैंडलबार को उधर लॉक करो, फुटरेस्ट पे वेट करो,
तो अगर आप वो जानोगे तो ये आप जानोगे। गाइस अभी जस्ट ब्रेक हुआ है तो बहुत सारे Q&A वगैरह हुए और आज मुझे जितना पता नहीं था उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला जुनैद सर से और जुनैद भाई ही बोलो क्योंकि एज अ बड़े भाई है और ये काफ़ी यंग हार्टेड है और क्या ही बताओ क्या क्या नॉलेज मिला है बाइक राइडिंग के बारे में, सिटिंग पोस्चर के बारे में, बाइक्स के बारे में। और यहाँ पे इन्होंने ब्रेकफास्ट भी रखा है तो ब्रेकफास्ट करते हैं। Nowhere on my hip. और यहाँ पे जब मेरे को स्टैंड पे डालना है मूव आउट। एनी मोर क्वेश्चन? देख भाई लड़की पटाया कभी? हाँ पर गर्लफ्रेंड कभी? फिर ये स्किन तेरे लिए नहीं है। जब भी पढ़ाएगा घर को पहले बोलेगा नहीं योर आंसर और योर क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर। देख भाई जब तक तुम पैसे कमा के खर्चा अपने पैसे कमा के अपना खर्चा कर रहे हो, घर के पैसे नहीं लेके जा रहे, तब तक तुमको जब घर के पैसे लेके जा रहे हो तो सवाल करेंगे, खुद के पैसे डाल के लेके जा रहे हो तो दैट इज योर फर्स्ट। सेकंड थिंग हाथ पैर सलामत रख के जाओ, हाथ पैर सलामत रख के वापस आओ, खुद की जिम्मेदारी होता रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उसमें। हाँ बेटा गया बेटा आएगा वो सेफ चलाता है, अवगढ़ मत लो। हाँ सिंपल रोड पे जब भी चलाओ अपने एरिया में ऐसे चलाओ कि तुमको तुम्हारे से बेहतर किसी को चलाने नहीं आता, आराम से रेस्पॉन्सिबिलिटी। बगल के एरिया में कुछ भी करो बस अपने वाले नहीं देखना चाहिए, नहीं मत करो वहां पे भी वैसे। इट्स एन एक्सपीरियंस। नाउ व्हाट यू डू इज उधर जाओ, ओके अंडरस्टैंड दिस। आपको दिखाता हूँ, नॉट पुशिंग द व्हीकल फ्रॉम योर बैक, इधर देखो मेरे को बैक से नहीं पुश करना। यू कम टू अ पोजिशन वेयर योर नीज आर लूज एंड यू पुट योर बॉडी ओवर हियर, डोंट थ्रो इट, सिर्फ नी अप और पड़ो आर्म अप। कांगे आ गए आप आर्म ऊपर रखोगे आसान हुआ, थोड़ा सा मेरे से डालो गाड़ी, हाँ आसान हुआ। अभी बेटी नहीं है ना, सिंपल आपका रेंजर में भी सिंपल। तो आधा चीज रोड देखता हूँ पर चलाता हूँ मीटर दिखता है व्हाट इज सेफ फॉर मी वो मैं कर लेता हूँ, ओके वो जो आदत मीटर देखने की है ना गलत है, वो गलत है। तो अभी रोहित भी आ चुका है, उसको बुलाया था तो अभी जस्ट आ चुका है तो वो रहा उधर। नहीं इसको ऑलरेडी कुछ भी नहीं पता, इसको मैंने बुला ही लिया था सीधे तो, क्योंकि जिससे सीखने को मिलता है ना उससे अपन ने कभी भी सीखना चाहिए, अभी वही सीखने का ही काम है। I'm changing who I am, I'm making a new plan,
rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. मेरा फोटो ही नहीं हुआ और अभी शोरूम बंद करने का समय हो चुका है, तो शायद जुनैद भाई बाहर ही होंगे। अगर बाहर मिले तो फ़ोटो ले लेंगे, नहीं तो यार फ़ोटो है बाहर ही है, बाहर ही तो बाहर अभी फ़ोटो ले लेते हैं कि फ़ोटो ही नहीं लिया यार। कुछ नहीं देख, मैं तेरे जैसा भाई है, भाई ओके सामने की तरह आएगा, कुछ जो भी परेशानी है ओके। पहले डर था मतलब यार, चलो बड़ी बड़ी दिखती थी, अभी देख सेम है। आज सब क्लियर है, कल आज 6:30 बजे 7 बजे जाते हैं राजमा जी दोस्त लोग 1:30 बजे तक उधर थे, वहाँ से सवेरे 5 बजे उठाऊँ, हनुमान हाँ सवेरे 5 बजे उठाऊँ और अब तक जगाऊँ। तो अभी जुनैद भाई जा रहे हैं, तो कल अगर पॉसिबल हुआ तो 6:30 बजे मिलेंगे, नहीं तो देख लेंगे। तो आज का दिन मतलब बाकी मेरा पिछले 2-3 साल भूल ही जाओ, और जितने भी साल हो गए उतने भूल जाओ, ये सबसे बेस्ट दिन रहेगा। और अभी क्या ही बताओ, मैं मतलब जुनैद भाई को बोला कि जब भी 6 बजे आया था तब से मेरी स्माइल रुकी नहीं रही, इतना ज़्यादा खुश हुआ आज। और ये सब मोटरसाइकिल्स वगैरह देख के ना यार, क्या होता है, मोटरसाइकिल इज लव, और जिसको आप देखते हो हमेशा, मतलब सीखने को जिससे मिलता है ना, उससे आज लाइव सीखा, बहुत बहुत ज़्यादा सीखा। और एक ऐसा होता है ना कि जब आप एक किसी मतलब बड़े लोग के साथ भी रहे ना थोड़े देर के समय, वो इतना कुछ आपको दे जाता है ना, तो उतना ही आज मुझे मिला। और क्या ही बताओ, लाइन निकल के रोहित भी आया था, और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा ही लगा होगा। और अब तक का मेरे अब तक जितने भी मैंने वीडियोस डाले तब तक का मेरे लिए तो ये बेस्ट एंड मेमोरेबल ब्लॉग है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, कल राइड पर जाने वाला हूँ रोहित के साथ, तो हम नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी आएगा, ये ब्लॉग भी जल्दी आएगा, और कल हम जो राइड पे जाने वाले हैं वो ब्लॉग भी जल्दी आने वाला है। तो बने रहिए और कंटिन्यू ये ब्लॉग्स देखते रहिए, और कंटिन्यू देखते रहिए और प्यार बरसाते रहिए आपका, और बहुत ज़्यादा खुश हो आज। तो इसी खुशी के साथ ये ब्लॉग एंड करता हूँ, और मिलता हूँ आपको कल की राइड में और कल के ब्लॉग में। चलो बाय।